गद्दार निकलेगा इस, यस गद्दार। और फिर उसके बाद हमारी रेसिपी में जुड़ जाइए गाइस प्लीज, आपको आपकी आपको आपकी आपको आपकी कसम है। बताया मैंने, और बाकी के जो मसाले मैं गाइस लेने वाला हूँ वो सारे के सारे मैंने हिला के रख दिए हैं। सबसे मेन होता है सब्जी में गाइस तेल को आना, दिख रहा है तेल आ चुका है मसाले में। और देखिएगा, अरे सिर्फ आधे किलो चिकन से गाइस एक तपेली भर के मैंने सब्जी बना दी है, तो आप सोच सकते होंगे ना गाइस कितना मज़ा आ जाएगा। आ तो रहा है ना मुंह में पानी गाइस, अगर आ रहा हो खाना हो तो आ सकते हो मेरे घर पे, कोई ना नहीं है, एड्रेस डाल दूंगा मैं, तो उस वक्त तक रहनी चाहिए होगा गाइस ये सर तो नहीं खा गया तो मैं गलत बता रहा है। तो हेलो गाइस, नमस्ते, शुक्रियाल, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज की जो वीडियो बनाने का जो टॉपिक है गाइस डायर गोसी पे आते हैं, और वैसे भी आप थंबनेल में देख चुके होंगे आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं कि जो वीडियो मैं आज बनाने वाला हूँ गाइस वो है आज की हमारी रेसिपी से रिलेटेड। तो गाइस मैं आज बता दूं आपको, बनाने वाला हूँ मिक्स चिकन 1 आवर रेसिपी। यस गाइस आपने एकदम सही सुना, ये नई डिश है मिक्स चिकन मसाला 1 आवर रेसिपी, जो कि आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी और कहीं देखी भी नहीं होगी। तो फिलहाल आप देखने के लिए आ चुके हो इंडियन फेमस फूड पे। बोली खराब स्माइल थी मेरी। यस गाइस, तो अब और फिलहाल हम चिकन मसाला मिक्स और 1 आवर में मतलब बीच में क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बता दूंगा। तो गाइस बस आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें, लाइक कर दीजिए अगर आप देख रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने की कोशिश करें। देखिए कैमरामैन अभी बहुत ही बड़ा काम करके फ्री हुए हैं, इन्होंने अभी आलूओं को ठिकाने लगाया है गाइस जी। गाइस मैं आलू का कट्टा लाया था 4 दिन पहले, उस आलू का कट्टा को आज खोला गया, उसमें से कई सारे आलू गद्दार निकले गाइस, यस गद्दार। तो गद्दार आलूओं को बाहर फेंका गया गाइस, और जो अच्छे आलू थे उनको घर में रखा गया, गद्दारों को तो बाहर ही डाल देना चाहिए। तो गाइस क्या क्या करने वाले हैं वो आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल आलू उबल रहे हैं हमारे गैस पे, तो साथ ही साथ सैंडविच मसाला भी बनाएंगे, पिज्ज़ा मसाले भी बनाएंगे, और चिकन मसाला मिक्स 1 आवर रेसिपी भी आपको मैं बताऊंगा। तो मसाला और पिज्ज़ा मसाले की रेसिपी तो नहीं डालूंगा बीच में मैं, बस आपको वो देखनी है तो अलग से वीडियो बनाएंगे मैंने, वो जाके आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। बाकी 1 आवर चिकन मसाला कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, क्या क्या रेसिपी के लिए सामग्री हमें चाहिएगी वो सब, कितना टोटल खर्च हो सकता है इस रेसिपी को बनाने में आपका अगर आप 2 मेंबर हो तो। तो फिलहाल बढ़ते हैं गाइस चिकन लेने के लिए, चिकन मटन शॉप पर, जहाँ पर मैं चिकन मटन शॉप पर जाऊंगा और चिकन लेके आऊंगा, और फिर उसके बाद हमारी रेसिपी चालू हो जाएगी। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे लवली वाहन, मेरे प्यारे से वाहन उसके ऊपर, और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। पहली सीटी आ चुकी है हमारे आलू की, 3 सीटी होते ही हम रवाना हो जाएंगे चिकन लेने के लिए। तो लव यू गाइस, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, मज़ा आएगा आपको ये रेसिपी देखने में, और घर पे भी आप आसानी से इस रेसिपी को बना सकते हो। तो फिलहाल जो रेसिपी बनाने का कार्यक्रम है वो अब चालू हो जाता है मेरी इस खतरनाक वाली बकबक के साथ। तो गाइस देखिए 3 सीटी लग चुकी है हमारे कुकर की, तो उससे लगता है हमारे आलू तो उबल चुके हैं। अब पिज्जा मसाला बनाने के लिए गाइस कुछ सब्जियों की आवश्यकता पड़ रही मुझे, कुछ है कुछ नहीं है, जैसे टमाटर और कैप्सिकम कल शाम को मैं लारी पे से ही ले आया था, और बाकी के लाने के लिए वापस से सब्जी मंडी जा रहा हूँ, कैबेज कैरेट और ऑनियन लेने के लिए, और चिकन मसाला
वन हावर रेसिपी के लिए हमें चिकन लेने के लिए मैं मार्केट जाना ही पड़ेगा, तो मार्केट ही जा रहा हूँ मैं। तो किस शॉप से लेकर आ रहा हूँ, शॉप के बाहर की वीडियो बताऊँ, अंदर की तो मैं बताऊँगा नहीं। क्या मटर वटर कैसे करता है आप, शायद वेज वाले भी भैया मेरे सब्सक्राइबर हो तो उनको अच्छा नहीं लगे, तो मैं बाहर से ही दुकान बता दूंगा, वहाँ से हम लेके आ जाएंगे। सब्जी मंडी से सब्जी लाने की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, और इस वीडियो में मैं एडिट नहीं करूँगा, और बाकी हम लेके आते चिकन, और फिर उसके बाद हमारी रेसिपी में जुड़ जाइए गाइस प्लीज़। आपको आपकी कसम है गाइस। देखिए फाइनली मटर शॉप पे पहुँच चुका हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों और दुआओं से पहुँचा हूँ गाइस, क्योंकि जो मेरी जान है ना इसको मैं चला के नहीं आया हूँ, हमारे कैमरा मैन चला के आया है, और इतनी मतलब तकलीफों से पहुँचा हूँ मैं गाइस। देखिए कैसे भोले बन के बैठे हैं, और गाइस देखिए मेरे भाईजान की दुकान से, अपने चिकन मटन शॉप है जिनकी भाईजान की दुकान से मैंने मटन ले लिया है, और अब मैं गाइस घर जाऊँगा और हमारी जो मटन की रेसिपी है उसको चालू करूँगा, और आपको लास्ट तक वो वीडियो देखनी है गाइस। और अगर आपको भी अच्छा और फ्रेश मटन चाहिए तो गाइस आप रेवदर रोड की साइड में गाइस ये गैरेज पे है, गैरेज के सामने ये दुकान आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको एकदम फ्रेश मटन मिलेगा, गारंटी प्रूफ, आपको कल का परसों का मटन नहीं, आपके सामने ही कटा हुआ एकदम ताज़ा सा मटन मिल जाएगा। अगर आपको लेनी है तो आप मटन यहाँ लेने आ सकते हो, और ज़्यादा बात ना करते हुए गाइस बढ़ते हैं हमारे घर की तरफ, और वीडियो चालू करते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो लव यू गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बने रहना हमारी इस वीडियो में। फाइनली वो सब्जी भी ले चुका हूँ पिज्जा मसाले वाली, और गाइस बड़ा ही सुहावना मौसम हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है गाइस, क्या रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है, और मटन हमने ले लिया है चिकन मटन, तो मज़ा आ जाएगा गाइस आज दोपहर के खाने में, और सुपर मज़ा आने वाला है आपको भी अगर ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखते हो। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे अब फाइनल ही घर की तरफ, पिज्जा मसाले की भी सब्जी हम ले चुके हैं, और कहाँ से लेता हूँ उसकी सब्जी की वीडियो भी मैं आपको अलग से डाल के बता दूंगा। तो लव यू गाइस, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो हेलो गाइस, फाइनली 11:30 हो चुकी हैं, और अब मैं वो रेसिपी आपको बताने जा रहा हूँ जिसके लिए आपने इस वीडियो को विजिट किया, क्लिक किया है, चिकन मिक्स मसाला 1 आवर रेसिपी गाइस। तो उस रेसिपी को 1 आवर मैंने इसलिए दिया है गाइस नाम, क्योंकि जो हम चिकन की ग्रेवी तैयार करने वाले हैं ना गाइस, वो अपन जैसे बिरयानी में ना तैयार करते हैं, और उसको तैयार करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए अपन अलग छोड़ देते हैं ग्रेवी को तैयार करके, फिर बिरयानी बनाते हैं अपन, तो ठीक उसी तरीके से गाइस हम आज चिकन की भाजी बनाने वाले हैं। तो उसलिए मैंने इसको चिकन मिक्स मसाला 1 आवर रेसिपी का नाम दिया है। उस ठीक उसी तरीके से हम गाइस चिकन जो कि मैंने लिया है 500 ग्राम 2.5 किलो लिया है, मैं नहीं जानता तो 1/2 किलो मैंने लिया है गाइस चिकन, हमारे कैमरा मैन हंसे वहाँ पर इसलिए बताया मैंने, और बाकी के जो मसाले मैं गाइस लेने वाला हूँ वो सारे के सारे मैंने यहाँ ला के रख दिए हैं। चिकन मसाला, दही, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, पटना मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च जो कश्मीरी है, तले हुए प्याज, ये हम उसके सब मिला के पहले ग्रेवी तैयार करेंगे, और ग्रेवी के बाद में सब्जी तैयार करने के लिए जो अलग मसाला लगेगा गाइस मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो फाइनली हम हमारी चिकन मिक्स मसाला 1 आवर रेसिपी की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। तो मैं क्या क्या कैसे कैसे मिला रहा हूँ आप प्लीज़ फॉलो करते रहना, और देखते रहना क्या क्या कितना डाल रहा हूँ मैं चम्मच वगैरह वगैरह, बताता भी रहूँगा 500 ग्राम चिकन रेसिपी बनाने के लिए आपको कितने मसाले चाहिएंगे, किस क्वांटिटी में चाहिए मैं आपको बताता रहूँगा, और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे 1 घंटे के बाद जब मिक्स होके ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी, उसके बाद फाइनली मिलेंगे हम बनाने के प्रोसेस पे। तो लेके गाइस कैसे कैसे मैं इंक्रीज करता हूँ, कैमरा बदल देता हूँ मैं। तो गाइस सबसे पहले इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अदरक लहसुन के साथ गाइस 2 गांठ और 1 बड़ा लहसुन का इतना टुकड़ा मैंने इसमें पीस दिया है। सबसे पहले डालेंगे हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को, ये गाइस देखिए पूरा का पूरा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। उसके बाद डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर इतना ही, देखिए 1/2 किलो है ना गाइस, इतना ज़्यादा नहीं। धनिया पाउडर भी हम इसमें डालेंगे, ये 1। देने की ज़्यादा खुशबू ना हो इसलिए
धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी डालेंगे गाइस स्वाद अनुसार। नमक भी डालेंगे गाइस स्वाद अनुसार। मिर्च पटना मिर्च अधिक मात्रा में, क्योंकि हम तीखा बनाएंगे। देखिए इतना बड़ा चम्मच मैंने भर दिया है, एक चम्मच और ले लेंगे। काफ़ी ज़्यादा तीखा बनाना है, तीखा पसंद है। हल्दी ज़्यादा नहीं गाइस, हल्दी सिर्फ इतनी। कश्मीरी लेट पाउडर स्वाद के लिए, और इसमें डालेंगे गाइस हम फाइनली दही। जो भी कर देगा इनको मिक्सअप, मज़ा आ जाएगा। दही ज़्यादा नहीं, खट्टापन नहीं हो जाएगा। तो ये कैमरा में फ्रीज में रखा है तो हट। और ये गाइस लास्ट में तले हुए हमारे प्याज, जो कि दो बड़े तले हुए प्याज मैंने लिए हैं, ज़्यादा ही तल गए। अब इसको गाइस हम मिला के, मस्त मिला के एकदम, ये ग्रेवी देखिए गाइस बन जाएगी। इसको मिला के गाइस हम एक घंटे के लिए रख देंगे हमारे फ्रिज में। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा इसमें हम एक गिलास के लगभग पानी डाल देंगे, और जिस तरीके से ऐसा हो जाएगी कि हमारी ग्रेवी कैसे लग रही है गाइस, ग्रेवी पक्का कमेंट बॉक्स में बताना जरूर अगर आप देख रहे हो तो। देखिए मज़ा आ जाएगा गाइस बनेगी जब ये 1 आवर स्पेशल चिकन मसाला ग्रेवी जो कि है साकिर अली के द्वारा बनाई हुई। तो लव यू गाइस, मिलते हैं बनाने के प्रोसेस पे। तो गाइस देखिए ये मैरिनेट होके बाहर आ चुका है फ्रिज से अपना चिकन 1 आवर मिक्स मसाला रेसिपी, जो कि 1 घंटे के लिए देखिए गाइस 12:30 बजे का था, फिर भी आधे घंटे में ज़्यादा लगा, 1 बज रही है। तो 1 आवर का हो चुका है। कैमरा मैन हम एक चीज़ भूल चुके हैं, चम्मच लाओ चम्मच, कैमरा मैन चम्मच भूल गए। अब इसमें गाइस हमने तपेली को गर्म कर लिया है, मस्त धुआं छोड़ रही है हमारी तपेली। अब इसमें हम देखिए गाइस 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, देखिए गाइस 2 बड़े चम्मच, और ये 1 चम्मच और डाल देता हूँ। आप इतना तेल डाल लेना जो कि होगा आपके लिए अच्छा। तपेली को धोई हुई थी, इसलिए थोड़ा सा छीटे उछाल रही हैं। अब इसके अंदर गाइस देखिए बंगाल करेंगे हम कड़ी पत्ते, और 2 से 3 बड़ी लौंग, और 12-13 काली मिर्च का बंगाल करेंगे गाइस, जो कि नॉर्मली है। बंगाल के पश्चात हम डालेंगे इसके अंदर गाइस प्याज, प्याज में आ जाएगा मज़ा। ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री इसमें अभी थी हमें। और गाइस जब ये मैंने फ्रीज में रखी थी तो उस टाइम 2-3 चीज़ मैं मिस कर गया था गाइस, सॉरी उसके लिए। उसमें हम डालना भूल गए थे गर्म मसाला पाउडर, तो आप गर्म मसाला पाउडर भी इसमें डालेंगे। एक अगर आपको काजू बादाम का जो पेस्ट होता है ना गाइस, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें डाल दें तो मज़ा आ जाएगा। एक गाइस और चीज़ हम इसमें भूल चुके थे, वो क्या थी, हाँ गाइस खट्टापन लाने के लिए नींबू का रस, नींबू का एक छोटा नींबू का रस भी अगर आप उसमें काट के डालोगे ना तो बहुत बढ़िया ये आपको लगेगी रेसिपी। और पानी तो डाल ही दिया है, आप उस टाइम डाला था और अभी भी मैंने थोड़ा बहुत पानी इसमें डाला है। अब इसमें देखिए किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, आगे वीडियो में आपको पता लगता रहेगा। 2-3 चीज़ें मिस कर दी थी मैंने आपको बता दिए, उस टाइम जब आप इसको इस ग्रेवी को तैयार करो उसी टाइम इसको डालना है आपको। नारियल का पाउडर आता है ना बुरादा, नारियल का बुरादा, वो भी अगर डालोगे आप तो मज़ा आ जाएगा आपको गाइस, वो भी डाल देना, बहुत ही अच्छी गर्म बनेगी। ये देखिए अब हो गया है हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब इसमें हम देने जा रहे हैं हमारा बंगाल जो कि है कड़ी पत्ते का, ये देखिए गाइस। अरे वाह, तेल ज़्यादा उछल गया है, मेरे पाँव में भी लग गया है, कैमरा में पाँव में भी लगा है। अब डालने जाएंगे इसमें गाइस, ओह ओह, अरे अब नहीं उछलेगा ना, दो चार मिनट गाइस हमें तेज आवाज़ में इसको मतलब प्याज को पकाना है हल्का लाल होने तक। हल्का लाल होने के बाद में गाइस हम क्या करेंगे, जो हमारा चिकन गरावा है कि जो चिकन के पीस थे ना गाइस, उसको हम इसमें से निकालेंगे और इसके अंदर हम तलेंगे। वो इसलिए गाइस क्योंकि जो मसाला है वगैरह वगैरह उसको हम बाद में डालेंगे इसमें पकाने के लिए, पर पहले इसको हम तलेंगे ज़रूर।
उससे ये क्या होगा कि दो फ्लेवर अपने मिलेंगे, एक तो चिकन तल चुका हुआ पक चुका हुआ वो फ्लेवर, और एक मसाला भी पक चुका हुआ वो फ्लेवर, और तीसरा जो फ्लेवर मिलने वाला है गाइस वो तो बहुत ही उमदा मज़ा आ जाएगा जब रोटी के साथ इसको हम खाएंगे। तो गाइस फिलहाल देखिए हमारे जो प्याज है वो हल्के से लाल होना शुरू हो गए हैं। अब चाहे इस मोमेंट पर गाइस आप चाहो ना तो हल्का सा नमक भी डाल सकते हो, पर मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने इससे पिछली दो वीडियो बनाई थी ना बिरयानी और मटन की, उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था तो बनी तो अच्छी थी पर नमक की वजह से खाई नहीं। इसलिए गाइस नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें, कहा भी जाता है कि नमक को स्वाद अनुसार ही डालना चाहिए। ये देखिए गाइस हल्के से हुए लाल। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, ये जो चिकन बताओ, ये देखिए गाइस हमने सारे चिकन के टुकड़ों को निकाल के इसके अंदर हम पता में छिले रख दिया है। अब इस गाइस इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, लगभग 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे गाइस, तलेंगे प्याज के साथ। 10 मिनट के पश्चात क्या करना का प्रोसेस हमारा रहेगा कि इस ग्रेवी को हम इसमें डालेंगे, इसको भी हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, मतलब अभी से लेकर आप तक जब तक ये सब्जी तैयार नहीं होगी जब तक हमें लगभग 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। और ये देखिए गाइस मैं मस्त प्याज में इसको भून लिया है और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे गाइस 10 मिनट के लिए। मिलते हैं गाइस 10 मिनट के बाद। तो गाइस देखिए फाइनली 10 मिनट के बाद हम निकालते हैं। अरे वाह देखते हैं कहीं मुंह में पानी आ गया होगा ना, आ गया अगर कसम से बताइए आया कि नहीं आया पानी। तो आ जाइए जल्द से जल्द इंडियन फेमस फूड के घर पे। ये देखिए गाइस पक चुकी है, ऑलमोस्ट अभी पता पड़ जाएगा। ये देखिए गाइस कैसे पता पड़ेगा, ये देखा अपनी देखे छोड़ चुकी है, हमेशा आपने अमूमन लेग पीस में देखा होगा लेग पीस में चिपका हुआ रहता है, ये देखे छोड़ चुकी है तो गाइस ये पक चुकी है। अब इसमें हम अगला प्रोसेस करने वाले हैं हमारी ग्रेवी को डाल के, इसको भी पकाना है गाइस। तो गाइस देखिए ग्रेवी को डाल चुके हैं, मस्त एकदम मिक्स कर लेते हैं चिकन के साथ। आहा लगी। अब बस गाइस इसको भी लगभग 10 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा और ये मस्त तेल छोड़ देगी गाइस, और उसके बाद हम इसे अपने पेट में उतार सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन महक आ रही गाइस, सुपर। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो गाइस फाइनली 10 मिनट के आसपास का लगभग वक्त गुजर चुका है, शायद 8 मिनट हो चुकी है, 8 से 10 मिनट के बीच में से गाइस मैंने एक दो बार इसको खोल के देखा था, थोड़ी बहुत नमक की कमी थी ना, नमक डाला है मैंने, आप भी चाहो तो चख सकते हो बीच बीच में, नमक कम था मैंने नमक डाला है बाकी कुछ नहीं। अब देखिए आप ही के सामने वापस से खोलते हुए, ओहो अरे गाइस देखिए सबसे मेन होता है सब्जी में गाइस तेल को आना, दिख रहा है तेल आ चुका है मसाले में, और देखिएगा अरे सिर्फ
आधा किलो चिकन से गाइस एक तपेली भर के मैंने सब्जी बना दी है, तो आप सोच सकते होंगे ना गाइस कितना मज़ा आ जाएगा। आ तो रहा है ना मुंह में पानी गाइस, अगर आ रहा हो खाना हो तो आ सकते हो मेरे घर पे, कोई ना नहीं है, एड्रेस डाल दूंगा मैं, तो उस वक्त तक रहनी चाहिए होगा गाइस। ये सर तो नहीं खा गया तो मैं गलत बता रहा, ठीक है गाइस, अगर उस वक्त तो रहेगी तो खिला देंगे, नहीं रहेगी तो कोई नहीं बना देंगे, आप हमारे लिए मेहमान हो गया, मेहमान हमारे लिए फर्स्ट नंबर पर। तो मिलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रेसिपी के साथ, इसी अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ, देखिए गाइस इतना मस्त आगे है, खाई हो गई इसे सब कुछ बताइए, देखिए गैस हमारा तेज हो गया था, देखिए ओके गाइस लव यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।